हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाने वाले हैं जो आप साइड में देख रहे हो। सबसे पहले हम इसका स्केच बना लेते हैं, और अगर आपसे स्केच नहीं बनता तो पिंटरेस्ट पे ये पिक्चर अवेलेबल है, आप इसका प्रिंट निकाल के भी इसको ट्रेस कर सकते हो। मेरा मन था कि मैं इसको हाथों से ही खुद ही ड्रॉ करूँ, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। और इसको जल्दी से ड्रॉ करने के बाद ये स्केच कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें कलर करने के लिए मैंने जो ये 10 और या 20 रुपए के रंगीला कलर्स आते हैं इन्हीं को यूज़ किया है, क्योंकि इनको करना बहुत इजी है। पानी के साथ इनको आप इजीली कर सकते हो और ये टाइम टेकिंग भी ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक किचन को शो कर रहे हैं, जहाँ पे एक लड़का और लड़की है जिन्होंने काफ़ी क्यूट सी ड्रेस पहनी हुई है। इसलिए मेरे को ये बचपन से बहुत पसंद थे, बचपन से मतलब कि मैं जब से इसको देख रही हूँ। इसको थोड़ा किचन शो करने के लिए मैंने इसमें थोड़े फ्रूट्स दिखा दिए हैं, और किचन कैबिनेट का कलर मुझे कुछ और करना था, लेकिन जैसा कलर मेरे से अब बन पाया मैंने वो बना लिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे कलर बनाने नहीं आते, ठीक है। इसको कलर करने के बाद ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके सामने इसको थोड़ा सा और क्यूट दिखाने के लिए मैंने एक पिंक कलर की वॉल बना दी है, जिसपे छोटे छोटे हार्ट्स बना दिए हैं, और थोड़ा सा इसमें ईंटों को या टाइल्स को शो करने के लिए थोड़े ब्राउन कलर से इसको थोड़ी टाइल्स बना दी है। और इसकी आउटलाइन मैंने ब्राउन कलर से की है, क्योंकि ब्लैक कलर से अगर मैं इसकी आउटलाइन करती तो वो आउटलाइन ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती, इसलिए मैंने इसमें ब्राउन कलर यूज़ किया है, ताकि ये ज़्यादा वो ब्लैक कलर इसमें हाईलाइट ना हो, बल्कि मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो चीज़ें हाईलाइट हो। अब इसकी जो ड्रेस है, इसको थोड़ा सा क्यूट दिखाने के लिए मैंने इसके फेस पे वाइट कलर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर नहीं था, मैंने मार्कर यूज़ किया है। पहली बार मैंने वाइट मार्कर यूज़ किया तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और थोड़ी इसमें क्यूटनेस ऐड करने के लिए थोड़े पिंक कलर का यूज़ कर लिया है। और ये मैंने इसकी ड्रेस को कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद इसकी पूंछ बना दी है, वो भी बहुत क्यूट है। तो इस तरीके से मैंने ये पेंटिंग बनाई है। अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो अब इसका फाइनल लुक देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। तो आप भी इस क्यूट से किचन में घूमिए ज़रा थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो कर देना यार लाइक कर देना। और इसको बनाते हुए मैं भी कितना क्यूट लग रही थी, तो देख लो मैं भी कुछ इतनी प्यारी प्यारी सी लग रही थी। आजकल की जो इफ़ेक्ट्स है वो इतना प्यारा दिखा देते हैं, मैं हूँ नहीं, पर चलो अच्छी लग रही हूँ। अगर अच्छी लग रही हूँ तो भी लाइक को शेयर कर देना। और अगर बस हो गया, ये पिक्चर ये हो गई है। अगर पेंटिंग में कुछ भी दिक्कत हो, कुछ बताना हो, तो ज़रूर कमेंट करना। अभी के लिए बाय बाय।